सुनिए, बच्चे के लिए दूध कहाँ से मिलेगा? सोमनाथ जी मालकिन, एक ग्लास दूध तो लेते आना। जी जी, वो क्या है कि स्टेशन से हम सीधे यहाँ चले आए ना, इसीलिए। जी मालकिन, ये लो। शुक्रिया, इसके मैं पैसे आपको बाद में दे दूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, और किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हाँ जी। गुड़िया ने क्या कहना हुआ, फ्रॉक बना दिया उसको। चलो किरण, दूध पी लो, आ जाओ। नहीं, फिर मम्मा चॉकलेट नहीं देगी। अभी ना अच्छी लड़की, बहुत सारा पढ़ाई किया। सचदेव, ये लोग बड़े शरीफ हैं, वरना इस अजनबी शहर में तो मैं तो अब भी कहती हूँ कि हम शोलापुर में ही रहते, तुम वहीं कोई काम ढूंढ लेते। वहां काम ढूंढने में कोई कसर छोड़ी मैंने? उषा, मेरी हर कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं दे सका। कोई बात नहीं है देव, जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, फिर मैंने तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की ना। तुम शिकायत नहीं करती इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं हूं। नहीं उषा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ है, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर महसूस करता हूं। किरण के लिए दूध भी तुमने किसी से मांग कर लिया है। उषा, मैं इस बात पूरी उम्मीद लेकर आया हूं, भरोसा रखो मुझे काम जरूर मिलेगा। पापा, फिर मैं भी कब स्कूल जाऊंगी? बेटी, प्यारी बेटी, तुम स्कूल जरूर जाओगी, तुम्हारी अपनी नई नई सहेलियां होंगी, तुम्हारे कपड़े होंगे बहुत सारे, सब अपने, और तुम्हारे नए नए खिलौने होंगे सब अपने, नई नई गुड़ियां, जो कुछ तुम चाहोगे मैं दूंगा तुमको। सच पापा? हाँ बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, तुमसे वादा करता हूँ। ओके, वी लेट यू नो। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं कुलदीप कौशल साहब से मिल सकता हूँ? आपका नाम? जय भटनागर, उनके नाम मेरे पास खाता है। एक मिनट सर, आपसे कोई देव भटनागर मिलना चाहता है। ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। चिक्का? यस। थैंक यू। जी कुलदीप साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस। जी आपके नाम श्री राजेश कुमार ने चिट्ठी भेजी है। मेरी आज सुबह ही फोन पर बात हो गई है। मेरे ख्याल से राजेश ने तुम्हें पूरी तरह समझा दिया होगा कि हमारे काम में कितना खतरा है। कुलदीप साहब, मुझे खतरों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज से मैं डरता हूं तो है गरीबी। लगता है छोटी सी उम्र में काफी कुछ सीख गए हो। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि गरीबी कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। उषा, 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 मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, अरे उन लोगों तो एडवांस तक दे दिया, ये देखो। हाँ, हाँ। उषा, मैंने कहा था ना कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सब सपने पूरे कर दूंगा। मम्मी के
आंसुओं का हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। अब तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। किरण बेटी आजा 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 आ गए किरण बेटी। घूम कर आई? कहाँ घूम कर आई? गार्डन में पापा और मम्मी ले गए। अरे वाह, तुम्हारे पापा तो बहुत बिजी हैं, टाइम कैसे मिल गया उनको? नई नौकरी है ना, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। उनके मालिक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लोन भी सैंक्शन किया है। अगर भगवान की मर्जी हुई तो हम एक नया फ्लैट भी बुक करवा लेंगे। अच्छा, अब हमको अपने नए घर में बुलाएगी किन्ना बेटी? हाँ, बुलाऊंगी। प्रॉमिस? पपी दो। आहा। ये कुछ रुपए हैं, दिलीप कौशल ने भेजे हैं। तुम्हें आज ही नासिक जाना होगा, उस पार्टी से माल ले आना होगा। ठीक, जरा होशियारी से, आजकल पुलिस हमारे पीछे बहुत लगी हुई है। किससे मिलना है आपको? जी मैं बंबई से आया हूं। देव भटनागर? जी मैम। हाँ। मेरा नाम रणबीर पारस है। इसे गिन लीजिए। कोई जरूरत नहीं, हमें वजन से मालूम पड़ जाता है कि रकम कितनी है। ये तो फूल है। हाँ, ये फूल हैं। माल इनमें हिफाजत से छुपा के रख दिया है। जरा होशियारी से जाना, रास्ते में खतरा बहुत है। जी। सुनो, ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी। लेकिन मैं अपनी गाड़ी खुद लेकर आया हूँ। अब तुम इस गाड़ी से जाओगे, वो चाबी तुम मुझे दे दो। जी। ये। और सुनो, कुलदीप कौशल से कहना, पारस जिसे छू देता है वो चीज सोना बन जाती है। लाइसेंस दे गए प्लीज। जी, लाइसेंस। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, डिक्की खोलिए। जी।
ओके। लगता है आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। जी हाँ पार्टी में जा रहा हूँ। वो किसी दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वहीं जा रहा हूँ। सुनिए इंस्पेक्टर, आपकी शादी हो चुकी है? यस जी, फॉर योर वाइफ। थैंक्स। अरे आज काफी देर लगा दी आपने। अरे कितने अच्छे फूल ये। हाँ वो फैक्ट्री में पार्टी थी, एक दोस्त ने दिए हुए। हाँ बहुत खूबसूरत। देखो पापा क्या लेकर आए हैं। वाह फूल। हाँ बेटी प्लीज पापा एक। अच्छा ये मैं भी आया। देखिए कितना सुंदर है ना। हेलो कौशल साहब, मैं देव बोल रहा हूँ। माल मेरे पास पहुंच गया है, पार्टी के पास कब पहुंचाऊंगा? कल ही। और कोड वर्ड है खुशबू। हस्ते माजी पूछा। अरे आप लोग सब इतना खामोश क्यों हैं? आपने हमारी बेटी को हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा? जान मेरी जान, अभी बर्थडे। तुम भी गुस्सा हमसे? बोल तुम्हें क्या चाहिए आज? मेरे खिलौने। खिलौने बेटा, तुम्हें जितने खिलौने चाहिए ना, तो मम्मी के साथ जाना, वो तुम्हें सब दिला देंगी। मैं शाम को आऊंगा काम करके, एक शानदार पार्टी देंगे, सारी दुनिया देखेगी। हाँ पपी दो। खुशबू पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। लो भाई शारदा, सब तैयारियां पूरी हो गई। अच्छा हाँ। मालिक मालकिन, आज हम किरण बिटिया को नए सिस्टम से सरप्राइज देंगे। क्या देंगे? सरप्राइज। सरप्राइज हम घर की सब बत्तियां बुझा देंगे। हाँ। जैसे ही किरण बिटिया आएगी। हाँ। सब बत्ती जला देंगे, ये देख के सब खुश हो जाएगी। तुम्हारे बत्तियां बुझाने से पहले किरण बिटिया आ गई है, घंटी बज गई है, दरवाजा मैं खोलता हूँ। अरे सोमन जी क्या किया? प्रोफेसर साहब एक बहुत बुरी खबर है,
किरण का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, उषा जी उसे हॉस्पिटल लेकर गई है। सोमनाथ बाबू, अब तक आप कहाँ थे? चलिए जल्दी से अस्पताल चलिए। अस्पताल? लेकिन क्यों? किरण बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है। किरण का एक्सीडेंट कहाँ, कैसे हुआ? मारवे रोड पर किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मारा। पर वो तो अच्छा था कि उसकी मम्मी उसके साथ थी, तो कम से कम कोशिश कर रहे हैं। अगर किरण को कुछ हो गया ना तो मेरे जिंदगी में कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। उषा के जीवन में अंधेरा छा जाएगा। लोग बड़े बेरहम होते हैं शारदा, वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी जरा सी लापरवाही से एक नन्ही सी जान और उसके माता पिता पे क्या गुजरेगी। भगवान उस आदमी को कभी माफ नहीं करेगा। क्या क्या सोचा था उस नन्ही सी बच्ची ने अपने डैडी के साथ में, नाचेगी गाएगी ठीक काटेगी। ये सब मैंने क्यों उषा? अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार उषा मैं हूं, जिस कार से किरण टकराई उषा हु कार उषा मैं चला रहा था। उषा मैं बस एक स्मगलर हूं। उषा एक स्मगलर बन गया। पैसों ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि मैं अपनी अपनी बेटी को भी देख नहीं पाया। उषा उषा मैं पागल हो गया। तुम्हारा हाथ छोड़ दो उषा, तुम मुझे जो चाहे कर लो, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। उषा बेटी वापस दे दो। उषा मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। उषा मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। पापा पापा आप आ गए? हाँ बेटी वापस आ गया हमेशा के लिए। देखिए जरा बात मत कीजिए, इस बच्ची को आराम की जरूरत है। उषा
आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। कानून का तो मैं गुनहगार हूं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या क्या तुम मुझे माफ करोगे? देव, जो लोग प्रायश्चित कर लेते हैं उन्हें माफी की क्या जरूरत है? सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने।